झारखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के चुनाव हार जाने के बाद पार्टी की समीक्षा हुई। इस बयान के बाद लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि पार्टी हर मुद्दों पर समीक्षा कर रही है, साथ ही विधानसभा चुनाव में और मजबूती के साथ कैसे लड़ा जाए इस पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश में अभी बैठेंगे, बैठक करने के बाद कुछ निर्णय लेंगे, समीक्षा होगी विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जहां चुने हम हारे, इसके बाद ही इसका इस पर कार्रवाई होगी। आपने कहा था कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई तो कार्रवाई या फिर हम दो लोकसभा और यदि आप देखेंगे विधानसभा हम दो तिहाई सीट पर हमारा टारगेट का 60, हम लगातार बोलते हैं कि झारखंड विधानसभा का चुनाव हम दो तिहाई से जीतेंगे, उससे भी लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आते हैं इससे भी ज़्यादा है, इसीलिए आने वाले दिनों में जो विधानसभा का चुनाव हम दो तिहाई सीटों से भी ज़्यादा विधानसभा सीट जीत करके बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के रूप से बनाएगी झारखंड प्रदेश, यह हमारा लक्ष्य है, इस तरह हमारा लगातार प्रयास है।